के बन जा उसे दा मालिक जो दारैन दा बन जा उसे दा मालिक जो दारैन दा आका दी शान दसदा कुराने आका दी शान दसदा कुराने दुनिया बनीए सदका नबी दिना लैन दा दुनिया बनीए सदका नबी दिना लैन दा बन जा उस दा मालिक जो दारैन दा आका दा नसानी कोई ना कोई ओ दसाया ए री जदा महबूब अल्लाह अपना बनाया ए आका दा नसानी कोई आका दा नसानी कोई ना कोई ओ दसाया ए जदा महबूब अल्लाह अपना बनाया है सब तू सोना है बड़ा मन मोना है सब तू सोना है बड़ा मन मोना है रुतबा है आला अल्लाह दे नूरे ऐन दा रुतबा है आला अल्लाह दे नूरे ऐन दा बन जा उसे दा मालिक जो दारैन दा सारे जमाने बिचों आका लज पाले मेरे सोने आका दी केड़ी सोनियाले सारे जमाने बिचों आका लज पाले मेरे सोने आका दी केड़ी सोनियाले जारा दे बचने ताल दे दुखड़े जारा दे बचने ताल दे दुखड़े सुखी है बसेदा नौकर जो हसनैन दा सुखी है बसेदा नौकर जो हसनैन दा बन जा उसे दा मालिक जो दारैन दा सारे जमाने विचों आका लज पाले सोने मेरे आका दी केड़ी सोनियाले सारे जमाने विचों आका लज पाले सोने मेरे आका दी केड़ी सोनियाले जारा दे बचने ताल दे दुखड़े जारा दे बचने ताल दे दुखड़े सुखी ओ वसेदा नौकर जो हसनैन दा सुखी है वसेदा नौकर जो हसनैन दा बन जा उसे दा मालिक जो दारैन दा इस कलाम का हासिल कलाम शेर है मोहब्बत से पेश करते हैं के दो ना जहान विच सदा सुखी रवेगा मेरी ये सलाह जे सजाद मन लवेगा
दोना जहाना विच दोना जहाना विच सदा सुखी रवेगा मेरी ए सलाह जे सजाद मन लवेगा नबी दे यारा नू मन पंजा बारा नू नबी दे यारा नू मन पंजा बारा नू अल्लाह है जामिल तेरे सुख ते चैन दा अल्लाह है जामिल तेरे सुख ते चैन दा बन जा उस दा मालिक जो दा रैन दा बन जा उस दा मालिक जो दा रैन। क्या बात है जी। मोहतरम नाजरीन, ज़ुहैब हसन फरीदी साहब बड़ा खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी आवाज़ व अंदाज़ में मज़ीद बरकतें अता करे। खूबसूरत सनाखानी की है उन्होंने हुज़ूर सरवरे कायनात की। आइए एक और कलाम शामिल करते हैं। तो मोहतरम नाजरीन, आज का ये प्रोग्राम जो था शौरे रमज़ान के नाम पे, शौर टीवी पे जो आप देख रहे हैं, हकीकत में शौर टीवी का ये विजन है, शौर टीवी का ये मोटो है कि वो आज की नौजवान नस्ल को जो कि बुराइयों की तरफ, गेमों की तरफ और तरह तरह की फहाशी और औरयानी की तरफ लगी हुई है, उनको वहाँ से निकाल कर हुज़ूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी में लगाया जाए और दीन की तरफ लगाया जाए। शौर टीवी का यही मिशन है और यही मिशन लेकर अल्हम्दुलिल्लाह हम चल रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने भी आपको किसी किस्म का टैलेंट दिया है, आप आका की सनाखानी कर सकते हैं, आप कोई स्कॉलर हैं, मजहबी या समाजी शख्सियत हैं कि जो अपना पैगाम दुनिया तक पहुँचाना चाहते हैं, तो शौर टीवी जो है उसके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। आप हमसे राबता कीजिए और शौर टीवी पे आके अपना टैलेंट जो है वो दुनिया तक पहुंचाइए और दीन और इस्लाम की तबलीग जो है उसको आम कीजिए। मैं आपका मेज़बान कारी सज्जाद फैसल नक्शबंदी आपसे ये इल्तमास करूंगा कि आप अपने बच्चों को फाशियो और यानी की तरफ से निकाल कर मिदहत मुस्तफ़ा की तरफ लगाइए और शौर टीवी के साथ ज़रूर रब्ता इनका मिलाइए, ताकि शौर टीवी पे आके ये हुजूर के मिदहत सराई, हुजूर की नात खानी जो है वो दुनिया तक पहुंचा सकें और मुसलमानों में भी सनाखानी का शौर उजागर कर सकें। आज की इस पुरफितन दौर में कि जब कोरोना वायरस की वबा जो है वो दुनिया को मुतासर किए हुए है, पूरा मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जो है वो इससे मुतासर है, और आज का लॉकडाउन भी चल रहा है, लोगों के माशी हालात भी ख़राब हैं, कारोबार भी मंदे पड़े हैं, तो मैं आपसे बस आखिरी जाते जाते यही आपके गोश गुजार पैगाम करूँगा कि मेरे भाइयों, अगर चाहते हो कि ये अफरा तफरी का आलम ख़त्म हो जाए, अगर चाहते हो कि ये कोरोना वायरस से हमें निजात मिल जाए, तो मिलकर अल्लाह की बारगाह में आइए और सच्चे दिल से तोबा कीजिए, अल्लाह का जिक्र कीजिए। इंशाल्लाह जिसने ये कोरोना वायरस हम पे मुसल्लत किया है, इंशाल्लाह जब हम सच्चे दिल से तौबा करेंगे तो वही ज़ात है कि जो हमें इससे निजात अता फरमाएगी। अपने मेज़बान कारी सज्जाद फैसल नक्शबंदी को इजाज़त दीजिए। सल्ले अला